हेलो बच्चों, तो सस्पेंस खत्म होने की घड़ी आ गई है सर। क्या लॉन्च होने वाला है? तो भाई जेई मेगा रिवीजन, जिसका एम है 99% पे फिट करना एकदम, वो लॉन्च होने जा रही है यूट्यूब सीरीज जेई मेगा रिवीजन। तो भाई जेई 2022 जो होने वाली, जिसकी चिंता हमारे मन में है सर, कब होगी, कैसे रिवीजन करें, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास में तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन के लिए प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ईसरन लेके आया है जेई मेगा रिवीजन सीरीज। तो भाई 2022 के बच्चों के भी बहुत सारी क्वेरीज है सर, अभी तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ, पुराना भूलते जा रहे हैं, रिवीजन कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा सर कुछ भी, कुछ एक रामबाण बता दो आप। तो यार ये वही रामबाण है, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी लॉन्च करा था, जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए थे लास्ट ईयर, जब मेगा रिवीजन और सारी चीजें लॉन्च करी थी तो बच्चों ने बोला था सर इतने क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में इस सुपर मेगा रिवीजन सीरीज से आए, मेगा रिवीजन सीरीज से आए। तो यार पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से जेई मेन जनरली ज्यादा सवाल पूछते हैं, उन पे फोकस रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए आपके साथ में हम, यार आप इतना प्यार देते हो उनको यार, डेफिनेटली। तो यार आपके साथ में हम लाइव पूरी ये रिवीजन सीरीज, जिसमें कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमारा टारगेट है कि 99% फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ने की तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर एडवांस पे फोकस करेंगे। तो ये पूरी जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए सीरीज बनाई है, आप इसके साथ रिवीजन कर लो, फोड़ देना। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले यार जेई मेन का नेचर समझते हैं। देखो यार इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिया, इतने सारे बार ये सारा जेई मेन के साथ देख लिया, जेई मेन का अगर हम एनालिसिस करें ना यार, देखो तो यार पता है बच्चे सबसे बड़ी गलती कहां पर करते हैं, 99% के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं ना, वो पता है वो इस सेक्शन में होते हैं। जेई मेन का अगर आप एनालिसिस करो ना ढंग से, जिन लोगों ने दे रखा है यार वो रिलेट कर पाएंगे, 50-60% पता है इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन का मतलब पता है क्या होता है जेई मेन में यार, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2-3 लाइन ऑफ कैलकुलेशंस आप उसमें कर लो, आंसर आ जाएगा। मोस्टली बच्चे 50-60% जो इजी क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें ही गलती कर देते हैं, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी जो गलती करते हैं ना साहब, फॉर्मूला याद नहीं आता और कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता कि यार ये भी करना है। जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में पता है क्या होता है, लोग सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आधे कॉन्सेप्ट तो वैसे छूट जाते हैं और रिविजन नहीं कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो यार ये पोर्शन में ही काफी बड़ा जो है चंक छूट जाता है। 25-30% मीडियम और 15-20% तक तो छोड़ो एक बार को। तो यार अभी सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है यार, 99% में सही बता रहा हूं, अगर आपने इसको ढंग से कर लिया ना 50-60% इजी वाले पार्ट को, आप 99% के ऊपर पहुंच जाओगे यार। 300 नंबर के पेपर में से 150 से 180 तो इन्हीं इजी लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, फिर 25-30% मीडियम आते हैं, कुछ तो इसमें से भी करेंगे यार। तो मेजर फोकस इस पे, फिर इस पे, और यार ये बात की बात है, पहले मोटा चंक तो खाएंगे, इस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए जैसा पिछले साल मेगा रिवीजन सीरीज लॉन्च करी थी बिल्कुल हूबहू वैसी ही जेई मेगा रिवीजन सीरीज 2022 के लिए आपके पास में लेके आए हैं। लास्ट ईयर के इफेक्ट देखो आप, लास्ट ईयर जो मेगा रिवीजन लॉन्च करी थी, ये हमने एक वीडियो कैप्चर करा था, लाइव रिएक्शन लेते हुए बच्चों का, जब सेंटर से बाहर आए थे सर, आपके मेगा रिवीजन से 9 क्वेश्चन सॉल्व हुए, मेगा रिवीजन सीरीज से 9 क्वेश्चन आए, क्या बात है, मन खुश कर दिया तूने यार। तो देखो ये बच्चा भागता हुआ आया, और जोर मेगा रिवीजन के बाद ही वो थी ना, जोर मेगा रिवीजन सीरीज से 9 क्वेश्चन आ गए। अब आप देखो ये बच्चे मेगा रिवीजन सीरीज देख के गए, 9 क्वेश्चन तड़ातर इसने सॉल्व कर लिया। एक बच्चा और आया था उसका यहाँ पर दूसरे वीडियो में, वो 15 क्वेश्चन सर मैं सीधे सीधे आपके जो रिवाइज कराया था उससे मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके आया है ना। बच्चों ने बहुत प्यार दिया यार। देखो एक बच्चा बोल रहा है सर मेरी शिफ्ट 20 जुलाई को 2 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थी, 2 स्टार प्रॉब्लम ग्रेविटेशन के एज इट इज आ गए जो आपने रिवीजन सीरीज में पढ़ाए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यार ऐसे बहुत बच्चों ने आई थैंक यू इसरो टीम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेगा रिवीजन, ये लास्ट ईयर के 10 महीने पहले की, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज हेल्प्ड अ लॉट, थैंक यू सर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, कुछ कुछ हमने यहाँ पर लिए हैं। तो यार बिल्कुल पिछले साल की तरह से इस बार भी मचाने के लिए जेई मेगा रिवीजन सीरीज आपके साथ में, बस आपको साथ में बैठ के रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है और बन जानी है लाइव, है ना। दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर का कोई टेंशन नहीं लेनी है, रिवीजन करते जाओ, बहुत सारी चीजें इस रिवीजन सीरीज के साथ में लाने भी वाले हैं, है ना, वो बता दूंगा यार धीरे धीरे करके।
ठीक है ना, हैट्स ऑफ टू यू सर। मतलब सर बहुत ही अच्छा रिविजन सीरीज, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड भैया, बहुत रिसर्च करके बनाई गई है रिविजन सीरीज, है ना। और इस साल भी बच्चों के लिए देखो हमने पोल कंडक्ट करवाया था कि यार जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको रिविजन सीरीज चाहिए क्या, तो यार 77% बच्चों ने बोला यस सर बिल्कुल चाहिए, और बाकी बच्चों ने बोला सर नॉट एट जेई 2022 एस्पिरेंट, ठीक है ना। तो यार भयंकर डिमांड में है, एक दिन के उसमें लगभग 4,500-5,000 वोट्स आ गए हैं इसमें यार। तो यार आपका हुक्म सर आंखों पर, तुरंत ये सीरीज ये वोटिंग देखते अब हम लॉन्च आपके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यार इस सीरीज में ये सीरीज मेजरली 2022 वालों के लिए तो यूजफुल है ही सही, इसको 2023 वाले बच्चे भी यूज कर सकते हैं अपना 11th का पोर्शन रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलो तो यार फटाफट से मैं इसके की पॉइंट बताता हूँ इस सीरीज के, कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या होने वाला है, लाइव रिकॉर्डेड ब्ला 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 सारी चीज है, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो इसका टारगेट क्या है, जेई मेन 98% फोड़ना है। एक बार जेई मेन से फ्री हो जाओ फिर पूरा फोकस जे एडवांस पे रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो 50-60% जो इजी वाला पोर्शन है ना वो किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। जनरली बच्चे एक चैप्टर में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं उसके टफ सवालों को क्रैक करने में, इजी पोर्शन तो बाकी चैप्टर का छूट जाता है। भैया हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तुम इजी क्रैक करोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे, टफ क्रैक करोगे तो भी 4 ही मिलेंगे। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाले हैं इसमें अपन, मेजर मेजर टॉपिक्स पहले खाते जाएंगे। टारगेट जेई में 99% प्लस है, लाकर ही दम लेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सारे तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स कवर होंगे। कंप्लीट थ्योरी रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो यार थ्योरी तो हम पूरी रिवाइज करेंगे ही सही, सारे फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट सारी थ्योरी रिवाइज करेंगे प्लस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, पहले इजी पोर्शन खाएंगे फिर मीडियम खाएंगे फिर टफ खाएंगे, ठीक है भाई। कब आने वाली है ये, 6 जनवरी 2022 से ये स्टार्ट होने वाली है। पहला लेक्चर मैं ही आपके साथ में फिजिक्स का लेके आने वाला हूं, 6 जनवरी 2022 कब से, 6 PM रोज शाम को 6 बजे से लाइव ई सरल के यूट्यूब चैनल पे, जिसे आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो आप कर लेना। डेली लाइव चलेगा इसमें तीनों सब्जेक्ट, एक दिन में एक सब्जेक्ट आपके पास में हम रिवाइज करेंगे। 6 बजे से क्लास चालू होगी, लाइव आप मेरे साथ में पढ़ना, प्रतीक सर के साथ पढ़ना, एनके सर के साथ पढ़ना, और ई सरल की बाकी टीम भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो स्टार्टिंग क्या है, 6 जनवरी, वो कहते हैं ना डेट नोट कर लो भैया, सेव दी डेट, शादी ब्याह की डेट नहीं है ये हमारे 99% तक पहुंचने की डेट है। इस सीरीज का नारा यही है, अब की बार 99 बार 99 बार, और सिस्टमेटिक मेहनत करेंगे ना तो आएगी यार। अपूर्व ने, अंतरा ने, सब लोगों ने जिस तरह से सिस्टमेटिक मेहनत करी ना, उस तरह से सिस्टमेटिक मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो 6 जनवरी 6 PM दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है यार, तो आप कर ही देते हो, इतना प्यार ऑलरेडी देते हो, ठीक है। अच्छा साथ में तो यार ये सीरीज अपनी चलेगी, अब साथ में आपको जो एक हमने ईसरल ऐप पे एक इसका फ्री कोर्स बनाया है, जिसमें कि आपको सेशंस की PDF मिलेगी, जो सेशंस की PDF मिलेगी वो सारी एक जगह ईसरल ऐप पे मिल जाएगी। इस कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी बच्चों, एब्सोल्युटली फ्री है, एक बार ईसरल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, सारी PDF वहां पे मिलती जाएगी जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे, ठीक है। आपको उसमें सारे माइंड मैप्स भी मिलेंगे, ईसरल के माइंड मैप्स यार लगभग हर जेई एस्पिरेंट यूज करता है यार, शॉर्ट नोट्स की तरह से यूज कर सकते हैं इनको आप। सारे फॉर्मूले 3-4 पेजेस में हमने माइंड मैप में डाल रखे हैं हर चैप्टर के, किसी के 1 पेज में, किसी के 2 पेज में, किसी के 3 पेज में, ठीक है। उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ये भी इस कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जबरदस्त चीज है, जेई मेन के टॉपिक वाइज सॉल्व PYQs, PYQs के लिए कोई किताब विताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे चैप्टर वाइज PYQs विद फुल सॉल्यूशन आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो आप चैप्टर रिवाइज करना फिर PYQs प्रैक्टिस कर लेना, चैप्टर रिवाइज करना PYQs प्रैक्टिस कर लेना। और आपको 2019 से 2021 की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, जेई मेन की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, सारे महीनों की सारे शिफ्ट्स के पेपर्स आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि यार आप पढ़ते जाएं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो होमवर्क में करना चाहे वो यहां से कर सकते हैं। तो ये भी आपको इसके साथ में मिल जाएगा। तो ये एक बार आज सब लोग इस लिंक पे जाकर इस कोर्स को ईसरल ऐप एक बार डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये कोर्स फिर इस लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे मिल जाएगा। वहां पर आपको जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे PDF मिलती जाएगी और ये सारी चीजें तो वहां पर आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यार
जब ये लोग कर सकते हैं ना, जब ये अपूर्व 39 से 99.5 पे पहुंच सकता है 2020 में, लोगों ने पता है क्या कहा था, तुक्का लग गया यार। 2021 में फिर से अंतरा ने वो करके दिखाया और बच्चों ने करके दिखाया, तो 15% से 99.5% पे पहुंची ग्रेजुअली, 15 से 28, 70, फिर 99.5। यार इन लोगों ने एक ही काम करा, बस जैसे जैसे टीचर बोलते गए ना वैसे वैसे ये लोग फॉलो करते गए, अपना टाइम टेबल फॉलो करते गए। होगा क्यों नहीं होगा यार, लिटरली जेईई मेन का नेचर समझो, टफ चीजों के पीछे नहीं भागना है, पहले 50 से 60% जो इजी सेक्शन है ना उसको खाना है। देखो डकार भी, और उसको भाई डकार गए एकदम, जो है ना 99% तक पहुंचना है, आएगी बहुत सिस्टमेटिक चलेंगे पर। ठीक है यार, जब ये सारे बच्चे रिजल्ट ला सकते हैं ना यार, हम भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। रेसिपी क्रैक्ड है, रिजल्ट कैसे आए जाते हैं, ठीक है ना यार, इन बच्चों ने मेहनत करी है, 2 महीने 2.5 महीने लपक के मेहनत करो, कोई लेक्चर मत छोड़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चाहे जेईई मेन हो, 113 रैंक देखो जेईई मेन में मानव की आई इतने सारे बच्चों की, 70% बच्चे तो क्वालिफाई करके जे एडवांस के, 450 बच्चों की 95% के ऊपर आई, ये सिर्फ 2021 में नहीं 2020 में भी जबरदस्त रिजल्ट आए थे। तो यार फॉर्मूला क्रैक्ड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस सीरीज में आपके पास में कोटा की बेस्ट, मतलब इंडिया की बेस्ट बोलो यार, हम सब कोटा से, इसलिए कोटा निकलता है यार, वो सारी फैकल्टीज कोटा की फैकल्टीज हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपके साथ में होंगी। एनके गुप्ता सर मैथमेटिक्स फैकल्टी, 35 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 7 लाख बच्चों को मेंटर कर चुके हैं, 1000 ITs बना चुके हैं, ये मेरे पापा हैं यार, और मैं जो भी हूँ आज इनके कारण से ही हूँ यार लिटरली, ठीक है ना। मतलब एनके गुप्ता सर की मेंटरशिप, इनका पढ़ाना A1, चलते फिरते कोटा कहते हैं इनको लोग, ठीक है ना। फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, आई एम सारांश गुप्ता, IIT बॉम्बे CS से है, 41 JEE एडवांस में आई थी, 71 JEE मेन में आई थी, और ये कुछ और क्रेडेंशियल्स हैं, तो मैं आपके साथ में फिजिक्स लेके आने वाला हूँ। तो 6 तारीख को सबसे पहला लेक्चर जो है, मैं आपके साथ में लाइव क्लास में मिलने वाला हूँ, और अपन फोड़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे प्रतीक गुप्ता सर, यार ये मेरे छोटे ब्रदर हैं, IIT बॉम्बे से हैं, ये केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाते हैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, डर लगती हो ना, 2 महीने इनसे पढ़ के लिखना, डर भाग जाएगा पूरा का, ठीक है। तो ये आपके साथ में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और फैकल्टी की टीम भी है, भुवनेश गोयल सर ये भी मैथ्स के फैकल्टी हैं, MNIT जयपुर से सर हैं यार, 11 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 1000 बच्चों को ये भी IITians और NITians बना चुके हैं, है ना। तो इंडिया की बेस्ट टीम है, फिर साथ में वाटिका मैम है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, इनको 6-7 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तीनों केमिस्ट्री मैम भी पढ़ाती हैं। फिर साथ में है हमारे सत्यम कुमार सर, ये IIT खड़गपुर से हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं इसरल में यार, ये एनके गुप्ता सर के स्टूडेंट है ये, मतलब ये एनके गुप्ता सर से पढ़ाते थे तो ये एनके गुप्ता सर से पढ़ते थे ये, और आज जब ये इसरल में आ गए, और इनके छोटा ब्रदर IIT दिल्ली से है, वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, तो यार मतलब वो सेकंड लेवल की चेन चालू हो चुकी है अभी इसरल में, ठीक है ना। तो यार ये टीचर्स आपको मिलेंगे। फिर केमिस्ट्री में हरीश पाटीदार सर है, IIT दिल्ली से है यार ये, तो इंडिया की टॉप मोस्ट टीम आपके पास ये सीरीज लेके आएगी, ठीक है ना। यूट्यूब की सीरीज है, बिंदास एकदम मचाना है, फोड़ना है, तो भाई आपके साथ कल मुलाकात होने वाली है, मतलब जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो यार 6 January @6 PM से सीरीज चालू होने वाली है, फिजिक्स से अपन स्टार्ट करेंगे और मचा देंगे, फोड़ देंगे। बस आपको क्या करना है, चिंता नहीं करनी, जितना भी परसेंट आपका सिलेबस हुआ है, जो भी हुआ है, कोई चैप्टर छोड़ के मत नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो लास्ट ईयर बच्चों ने एक अच्छी बात करी थी ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने क्रैक मारा था, कुछ चैप्टर उनके बचे हुए भी थे ना, तो उन्होंने क्या करा था, स्पेशली 13th वाले बच्चों ने, तो उन्होंने रिविजन सीरीज तो देख ली थी, कम से कम जो बेसिक फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, वो रिवाइज हो गए थे, और उसमें से क्वेश्चन मिलते क्रैक मार दिया। जेईई मेन को क्रैक करने की ये ट्रिक है यार, आप इजी चीजों को मत छोड़ो, बस 99% फोड़ दोगे, दिस इज द मूल मंत्र, ठीक है। तो भाई मचाना है, फोड़ना है, और आग लगा देनी है, मतलब 99% पार जाना ही है, जाना ही है, जाना ही जाकर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मचाते हैं, फोड़ते हैं, सारी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट।